बुद्ध ने एक बार कहा था, आप जो सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि आपकी सोच के अनुसार जो आप बन जाते हो, इसके पीछे कौन काम कर रहा है, आपको कौन बना रहा है? यही तो है हमारा अवचेतन मन, अवचेतन मन की शक्तियां। आप अपने चेतन मन में सोचते हैं और आपका अवचेतन मन उस पर कार्य करता है और आपको परिणाम ला कर देता है, जिसकी वजह से आपके भीतर एक बदलाव आती है। अवचेतन मन आपकी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि आप अपने चेतन मन में सोचते हैं और जो कुछ भी आप आदतन सोचते हैं, जो आपकी आदत बन जाती है, वह आपके अवचेतन मन में चला जाता है, जो आपके विचारों की प्रकृति के अनुसार निर्माण भी करता है। जरा इसे ठीक से समझिए। ठीक इसी अवचेतन मन को लेकर महान राइटर डॉक्टर जोसेफ मर्फी, उन्होंने 20वीं शताब्दी में एक बुक लिखा जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। उन्होंने इसमें बहुत कुछ बताया है कैसे आप अपने सर्वश्रेष्ठ मन के द्वारा सफलता को पा सकते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अवचेतन मन के बारे में और उनकी शक्तियों का उपयोग कैसे करें, इस बारे में उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। इसे जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारा अवचेतन मन आखिर काम कैसे करता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं, क्योंकि हमारा अवचेतन मन जब काम करता है तब वो चीज हमें आंखों से नहीं दिखती, इसीलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अवचेतन मन डेटा का भंडार है, इसमें आपके जीवन के हर पल की यादें और अनुभव संग्रहित है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक व्यक्ति जिसने हाल ही में मोटरसाइकिल चलाना सीखा है, वह मोटरसाइकिल चलाते समय किसी व्यक्ति से फोन पर बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह अभी भी अपने अवचेतन मन में मोटरसाइकिल चलाने की प्रक्रिया के बारे में सोच रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय और दिन बीतता जाता है, जैसे जैसे उनके अनुभव बढ़ते जाते हैं, तब उनकी मोटरसाइकिल चलाने की आदत हो जाती है। उस वक्त उनकी यही आदत उनके अवचेतन मन में यानी उनके सबकॉन्शियस माइंड में संग्रहित हो जाता है। उस वक्त वे अपने चेतन मन का उपयोग करके यानी कॉन्शियस माइंड का उपयोग करके फोन पर बात कर सकते हैं। मतलब वे साइकिल चला भी रहा है और साथ ही साथ फोन में बात भी कर रहा है, दो प्रक्रिया वो एक साथ कर रहे हैं। यहाँ पर काम करता है चेतन मन और अवचेतन मन। अब यहाँ पर एक बात ये समझना है कि आपका चेतन मन जो भी मानता और सत्य मानता है, वही आपका अवचेतन मन उसे आराम से स्वीकार कर लेता है और उस पर काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए अच्छे भाग्य, दिव्य मार्गदर्शन, सही कार्य और जीवन के सभी आशीर्वादों पर विश्वास करें, फिर सभी अच्छी चीजें होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर कोई संदेह भी है तो आपको संदेह को अपने भीतर लाना नहीं है, क्योंकि आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता, कभी आराम नहीं करता है, यह हमेशा काम पर रहता है। यह आपके रक्त परिसंचरण को नियंत्रित करता है और आपके पाचन को भी नियंत्रित करता है। आप सोने से पहले अपने अवचेतन मन को स्पष्ट रूप से यह कहकर अपने अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति का पता लगा सकते हैं। इसे ठीक से समझिए। मान लीजिए अगर आप सुबह 5 बजे उठना चाहते हैं, तो सोने से पहले बिना किसी नकारात्मक विचार के 2-3 बार अपने मन में कहे कि मैं सुबह 5 बजे उठना चाहता हूँ, और फिर आप सो जाइए। फिर आप देखेंगे कि आपका अवचेतन मन आपको बिना किसी अलार्म घड़ी के ठीक उसी क्षण आपको जगा देगा जैसा आप चाहते हैं। मतलब आप जैसा चाहते हैं वैसा आप बन जाते हैं। आपको बनाता है आपका अवचेतन मन और उसको डायरेक्शन देता है आपका चेतन मन। यहां तक तो आपको यह समझ में आ चुका है कि आपके अवचेतन मन की शक्तियां आखिर है क्या, कितनी पावरफुल है। तब जब आपके अवचेतन मन की शक्तियां बहुत ही तेज है, तब आप उन शक्तियों को अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करेंगे? इसे ठीक से समझने के लिए डॉक्टर जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखी गई पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में समझेंगे कि आखिर डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में क्या बताते हैं, हम कैसे इसको अपने जीवन में इस्तेमाल करें। जोसेफ मर्फी अपनी किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में मन की शक्तियों और अवचेतन मन के प्रभाव पर गहराई से विचार किए हैं। उन्होंने बताया है कि अवचेतन मन हमारी सोच, आदतें और व्यवहार को प्रभावित करता है और हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ने के लिए उसका सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। देखिए, हमारा अवचेतन मन हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो चेतन जागरूकता के स्तर से नीचे काम करता है। यह हमारी मान्यताओं, यादों, आदतों और भावनाओं को संग्रहित करता है। डॉक्टर मर्फी के अनुसार अवचेतन मन एक मिट्टी की तरह है जो उसमें बोए गए किसी भी बीज
यहाँ पर बीज का मतलब विचार या विश्वास होता है, उसको वो स्वीकार कर लेता है और उसे वास्तविकता में विकसित होने में मदद करता है। ये हमेशा सक्रिय रहता है, यानी ये हमेशा एक्टिव रहता है और प्राप्त विचारों और सुझावों पर प्रतिक्रिया देता है। भले ही आप उसे सचेत रूप से ध्यान नहीं दिए हों, लेकिन यह आपको लगातार सजेशन दे रहा है। जब अवचेतन मन में कोई भी बीज हम बोएंगे तो वह उसे स्वीकार कर लेगा, तो क्यों ना हम उसमें सकारात्मक विचार बोए। आखिर हम अपने जीवन में वह कौन सा काम करेंगे जिससे कि हमारी हर बात जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सके। यानी हम अपने अवचेतन मन को अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे उपयोग करेंगे, इसी के बारे में डॉक्टर मर्फी ने बहुत कुछ बताया है। आइए इसे कुछ पॉइंट से समझते हैं और इसे समझकर हम अपने जीवन में इस्तेमाल भी करेंगे। नंबर 1, पॉजिटिव अफर्मेशंस, यानी सकारात्मक पुष्टि। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि अगर आपके भीतर नेगेटिव बिलीव्स है तो आपको उसे बदलना चाहिए और उसको बदलने के लिए आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस का उपयोग करना चाहिए। उसको सेल्फ टॉक भी बोलते हैं, यानी कि नकारात्मक मान्यताओं को सकारात्मक मान्यताओं से बदलने के लिए सकारात्मक पुष्टि या आत्मचर्चा का उपयोग करें। बार बार पॉजिटिव अफर्मेशंस का उपयोग करें और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स वही होनी चाहिए जो आपके गोल्स, आपके डिजायर्स को अलाइन करता हो। जैसे, मैं जीवन में बहुत ही सफल हूं, मेरे पास सिर्फ खुशियां है, मैं भीतर से बहुत ही मजबूत हूं, मेरे पास सभी चीजों की प्रचुरता है, चाहे वो धन से संबंधित हो, समृद्धि से संबंधित हो, या स्वास्थ्य से संबंधित हो, या रिलेशनशिप से संबंधित हो, सभी चीजों की मेरे पास प्रचुरता है, अबंडेंस है, मेरा घर द्वार, बिजनेस सब सही चल रहा है। इस तरह के पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको डेली रिपीट करना है ताकि आप अपने अवचेतन मन को अपने विचारों के साथ दोबारा से रिप्रोग्राम कर सकते हैं। नंबर 2, विजुअलाइजेशन। कल्पना करें कि आपके लक्ष्य और इच्छाएं पहले से ही हासिल हो चुकी है और जब आप कल्पना करेंगे उस वक्त आपकी सभी इंद्रियां भावनाओं से भरे हो। आपके जो भी लक्ष्य या गोल्स है उसके प्रति एक क्लियर इमेज बनाए। वो इमेज आपके कल्पना से होनी चाहिए, क्योंकि एक मेंटल इमेज आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके जीवन में रियल एक्सपीरियंसेस को लाता है और उन वास्तविक अनुभवों के रूप में व्यक्त करता है और उन्हें साकार करने के लिए काम करना शुरू कर देता है। नंबर 3, इमोशनल चार्ज, यानी भावात्मक आवेश। अपनी इच्छाओं के साथ मजबूत सकारात्मक भावनाएं जोड़े, उत्साह, खुशी और कृतज्ञता महसूस करें, जैसे कि आपके लक्ष्य पहले से ही पूरे हो चुके हैं, क्योंकि अवचेतन मन को प्रभावित करने में आपकी भावनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बार बार आपको यही बताया जा रहा है कि आप अपने लक्ष्य को ऐसा महसूस करो कि आपका वो लक्ष्य पूरा हो चुका है, आप उन्हीं लक्ष्यों में जी रहे हैं। यानी ये सभी चीजें वर्तमान में हो रही है और वर्तमान चीजें ही आपका अवचेतन मन ग्रहण करता है और उन्हें सच मानकर आपको उसी तरह की अनुभव भी महसूस कराता है। नंबर 4, बिलीफ एंड फेथ। अपनी क्षमताओं और लक्ष्यों में अटूट आस्था और विश्वास विकसित करें। आपका अवचेतन मन वही स्वीकार करता है जिस पर आप वास्तव में विश्वास करते हैं, इसलिए दृढ़ विश्वास पैदा करें कि आप जो चाहते हैं उसे आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। कभी भी अपने भीतर नकारात्मकता को नहीं आने दे। बुद्ध कहते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार दोनों ही आएंगे, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप सकारात्मक विचार को पकड़ रहे हैं या नकारात्मक विचार को। तो ठीक इसी तरह आपको नकारात्मक विचार को नहीं पकड़ना है, अपने जीवन को सकारात्मक विचार से भरे रखें। नंबर 5, ऑटो सजेशन, यानी स्व सूचना। देखिए, रेपिटेशन इज द की, यानी दोहराव महत्वपूर्ण है। दोहराव के माध्यम से अपने अवचेतन मन को लगातार सकारात्मक विचारों और इरादों से भरते रहे। जितना अधिक आप अपनी इच्छाओं की पुष्टि करते रहेंगे उतना ही अधिक वे आपके अवचेतन मन में समाहित हो जाती है। मतलब विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव अफर्मेशंस को आपको लगातार रिपीट करते रहना है। हर रोज एक ही चीजों को दोहराए ताकि आपके सभी बातें चेतन मन से अवचेतन मन में आसानी से चली जाए। नंबर 6, मेडिटेशन, यानी ध्यान। अपने कॉन्शियस माइंड को, यानी चेतन मन को शांत करने और अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के लिए ध्यान का अभ्यास करें। इस आरामदायक स्थिति में आप सकारात्मक सुझाव पेश कर सकते हैं और उन्हें अपने दिमाग में गहराई से बिठा सकते हैं। ध्यान ही वह माध्यम है जिससे आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में प्रेरित कर सकते हैं। ध्यान से आप अपने अवचेतन मन के प्रभाव को देख सकते हैं
और उसे सकारात्मक दिशा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कदम को उठा सकते हैं। ध्यान करने के लिए आप एक शांत और निरंतर वातावरण में बैठे और अपनी श्वासों की गहराई का ध्यान रखें और मन की गतिविधियों को समर्थन दें। जब आप ध्यान में लगे होते हैं तब आप अपने मन के विचारों को देखने की क्षमता प्राप्त करते हैं और उन्हें सकारात्मक दिशा में निर्देशित कर सकते हैं। ध्यान करने से आप अपने अवचेतन मन को दिशा देने के साथ साथ अपने आत्मसंवेदना को बढ़ावा देने में सहायक हो सकते हैं और इसका परिणाम यही निकलता है कि आप अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। नंबर 7, रिलीज नेगेटिव पैटर्न्स, यानी नकारात्मक पैटर्न को छोड़े। किसी भी नकारात्मक विश्वास या विचार पैटर्न को पहचाने और उन्हें छोड़े जो आपकी प्रगति में बाधा बन सकते हैं, उन्हें सकारात्मक विकल्पों से बदले। नंबर 8, सबकॉन्सियस बिफोर स्लीप, यानी सोने से पहले अवचेतन। सोने से पहले और जागने के क्षणों का उपयोग अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचारों और इरादों से भरे, क्योंकि परिवर्तन के इस समय में आपका दिमाग अधिक ग्रहणशील होता है। नंबर 9, ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता। आपके पास जो कुछ भी है और आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके लिए कृतज्ञता का व्यक्त करें, ग्रेटिट्यूड करें, क्योंकि कृतज्ञता ही आपके भीतर एक पॉजिटिव इमोशनल स्टेट क्रिएट करती है और यही सकारात्मक भावनात्मक स्थिति आपके भीतर के वाइब्रेशंस को बढ़ाता है, जिससे कि आप आकर्षण के नियमों का अच्छे तरीके से अपने जीवन में उपयोग करते हैं और जो अवचेतन मन में प्रतिध्वनित होती है। नंबर 10, पेशेंस एंड परसिस्टेंस, यानी धैर्य और दृढ़ता। देखिए, आपके जीवन में बदलाव रातों रात नहीं हो सकते, इसीलिए इन तकनीकों का अभ्यास करने में धैर्य रखे और लगातार बने रहे, क्योंकि कंसिस्टेंसी एक चाबी है आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का। इसलिए अपने जीवन में कंसिस्टेंसी को अपनाएं, जो भी काम करे कंसिस्टेंटली करे, तभी आप अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम कर सकते हैं और सक्रिय रूप से काम करने से आप सकारात्मक बदलाव लाने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अधिक पूर्ण जीवन जीने के लिए इसकी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी के द्वारा बताए गए तथ्य को मैंने आपके साथ शेयर किया, बस इन तरीकों को आप अपने जीवन में लगातार इस्तेमाल करें और जो भी इस्तेमाल करें, बस आपको ये याद रखना है कि आपको सकारात्मक रहना है। फिर आप देखेंगे कि आपके हर एक विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके जीवन को लगातार बदल रहा है। फिर बहुत ही जल्द आप अपने जीवन में सफलता को पाएंगे। आप उन सभी चीजों में अबंडेंस को पाएंगे, प्रचुरता को पाएंगे, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं। मित्रों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या पता आपका एक कमेंट किसी का जीवन बदल दे। और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आप मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आसानी से पा सके। धन्यवाद।